भाई आ रहे हैं हमारे ब्यूटीशियन अच्छा स्पेशल सीजर लेके। मेरे बाल ये देखिए सीधी रख लगता है। फ्रेंड्स वेलकम बैक, सुमन कुनबा व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप मस्त होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो भाई आज हम एक भाई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं। भाई इम्पोर्टेंट काम क्या? आज हम कुछ हटके करने जा रहे हैं, यानी कि देखते हैं कुछ हम अच्छा कर पाते हैं नहीं। मतलब कि आज भाई मैं अपने बालों की कटिंग करने जा रही हूँ, मैं और मम्मी करेंगे दोनों। तो प्रे करना कि सब अच्छा हो, देखते हैं कैसी होती है। तो अभी बाल मैंने धो लिए हैं और ट्राई करते हैं, देखते हैं कि हमारा न्यू लुक कैसा होगा। तो ज़्यादा नहीं कटिंग करेंगे, देखते हैं कैसी कितनी कटिंग होती है। तो भाई पहले तो मैं इतनी तेज़ बाइक चलाते हैं भाई, बच्चे बिल्कुल नहीं समझते कि बिल्कुल भी तेज़ गाड़ी या बाइक नहीं चलानी चाहिए। कई बार यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। एक एक्सीडेंट की वीडियो मैंने भी डाली थी मेरे ब्लॉग में, अगर आप देखो तो ज़रूर देखना। बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, मरते मरते बचे थे। तो भाई अब मैं बालों को कॉम करूँगी, अभी अभी धोए हैं मैंने, और उसके बाद देख आपको भी दिखाते हैं कि कैसे कटिंग करते हैं, और फिर बताने लास्ट में कि आपको कैसी लगी कटिंग। चलिए करते हैं स्टार्ट कुछ नया करने की कोशिश। सही है, लेकिन ज्यादा उठा लिए। ज्यादा अच्छा, फिर अगला छोटा करेगी क्या? छोटा करूंगी ना इसको, तो मैं सिर्फ तीन स्टेप लूंगी भाई। तो इन आगे कर ले सारे। हाँ, तो ये पीछे के तो पीछे ही रहेंगे। हाँ। और आगे के ऐसे पीछे वालों में जो आप रबड़ डाल दीजिए।
रहा कि वो परेशान हो गया। एक ऑर्डर पांगी पागल गई चिमना वही ना, फिर अच्छे से कॉम कर लीजिए। तो भैया अब हम कट कर रहे हैं अपना दूसरा स्टेप। अब मैंने पीछे का आपको दिखाई दे रहे होंगे, रख लिए और आगे के ये उंगली डाल इसमें एक साथ, ठीक है ना? तो कितना चाहिए? हाँ बस इतना इतना। हाँ पकड़, नीचे का पकड़ के लो। तो ये देखिए भाई, मम्मी ने बिल्कुल एक सार काट दिए हैं। इनमें जिगजैग से भी तो लगाते हैं ना, इनमें थोड़ा सा जिगजैग लगाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा इस टाइप का, इधर उधर से ऐसे करने से बाल थोड़े से लेयर अच्छी बन जाती है। हो गया भैया, अब मैं खोल देंगे देखो। हाँ ये नीचे का कटेगा थोड़े से, और फिर थोड़े से आप देते हैं कट गए। तो अभी मैं थोड़े से आगे के भी कट करूँगी। ये देखिए आपको दिख रहा होगा आ गया है थोड़ा सा, ये सही आ रहे हैं वैसे। अब छोटे भी करने हैं, थोड़े से छोटे भी करूँगी, सही हो गए बिल्कुल। सारी वे निकल गई, चलो लेयर निकल गई सारी। थोड़ा सा हम अपनी पीछे से एक सार कर देंगे, इसे देखिए आपको भी दिख रहे होंगे काफ़ी अच्छी लेयर्स बन गई है। देखिए यहाँ से कैसे चाहिए, यू या एक सार? नहीं बस एक सार कर दो। एक सार। गर्दन सीधी है? हाँ बिल्कुल सीधी। ये हो गई थ्री स्टेप लेयर। सही हो रहा, एकदम मस्त। आगे से दिखाइए थोड़े आगे डाल के। दिख रहा है ना आपको लेयर्स? ये देखिए खूब अच्छी आ रही है ना। हाँ। और जब मैं इन्हें स्ट्रेट करूंगी तो ये और भी निकल के आएंगे बिल्कुल बढ़िया। और अभी मैं एक छोटी सी लेयर और देना चाह रही हूँ। मम्मी तो कह रही रहने दे फिर आपको क्या आगे पड़ेंगे, पर एक छोटी सी और दे लूँ ताकि थोड़ा सा सही लगे। ठीक है दे लूँ थोड़ी सी और। अब एक लेयर और देना जा रहे हैं मैं और मम्मी। ये हमने आईब्रो का लास्ट, ये और इस साइड वाले दोनों के सेम बाल उठाए हैं, यानी कि एक बार अभी मम्मी को पकड़ेंगी, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं हमने ये बाल उठाए कि ये आईब्रो ऐसे गिरे रहते ना यहाँ का, तीसरा और ये तीसरा स्टेप और यहाँ तक ये बाल उठा लें। इसमें आप जितना चाहो अपने फेस के अकॉर्डिंग। अच्छा ये नहीं लेना साइड वाले, थोड़े से रह रहे देखो सही नहीं है क्या, कुछ कम ज़्यादा है? देख लिए बाल ज़्यादा कम। हाँ यही तो कह रही। ये उधर से भी नहीं कर, सही आ गए तो। हाँ सही है, सही है। तो कितने ये तो थोड़ा जिगजैग से कट करो ना ऐसे, ये ऐसे। तो भाई आई होप फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि आपको किस तरह से स्टेप लेने हैं। आपका जितना मन करे उतने स्टेप ले सकते हो, कई बार 5 स्टेप भी करते हैं कटिंग के। तो आपको दोनों तरफ से सेम साइज़ में भाई बाल उठाने हैं और बांधने हैं आगे और अच्छे से कटिंग करनी है। तो ये देखिए भाई मेरी कटिंग हो गई है, मम्मी ने कर दी है। बड़ा पर सही कटिंग करके लग गई भूख है, मिल गई मम्मी को ककड़ी। खेत की ताज़ा ताज़ा ककड़ी मिल गई है, अब उसे भूख मिटाई जाएगी। हेलो वीरा, क्या लेके चल पड़े आप? ककड़ी, ककड़ी। बोलती भी बड़ी क्यूट लगती है। तो ये देखे भाई ये हो गई है मेरी बढ़िया सी कटिंग, लेयर्स आ गई है मेरे बालों में एकदम परफेक्ट।
पर मम्मी को अभी भी संतुष्टि नहीं हो रही है। मम्मी लेके लगे हुए हैं सीजर, तो मजे आए मुझे कटिंग में, बड़े बढ़िया लगी मुझे। और अभी इस पर थोड़ी सी इसे स्ट्रेट कर लेते हैं बालों को, तो और भी अच्छे हो जाएगी। तो चलिए अभी आप भी बताना आपको कैसी लगी मेरी कटिंग, अच्छी लगी क्या। और घर आ जाना भाई मम्मी पे कटवाने के लिए, मम्मी का बहुत मन लगता है बाल काटने में। मस्त कटिंग, मस्त कटिंग। तो भाई आपका मन करे तो आप भी आ जाना मम्मी के पास कटिंग करवाने के लिए। फ्रेंड्स, तो अभी कटिंग तो हो गई है, अब आ रही है इनको सेट करने की। आपको भी पता है जब पार्लर में जाते तो बाल कट तो जाते हैं, लेकिन उनको सेट करने के बाद ही असली लुक आता है। तो बाल स्ट्रेट करूँगी भाई, ये वीगा का जो मेरे पास है स्ट्रेटनर। तो चलिए करते हैं भाई स्टार्ट। फ्रेंड्स देखिए ये लुक आया है मेरा कटिंग के बाद। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये लुक अच्छा लगा होगा। और देखिए मम्मा ने मेरी कितनी अच्छी कटिंग करी है, है ना, मजे आ गए ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगी भी। तो आप लोगों को कैसी लगी भी मेरी कटिंग जरूर बताना, पीछे से देखकर मैं ऐसे करती हूँ तो अच्छा लुक आएगा बिल्कुल एकदम बढ़िया। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों को मेरी कटिंग कैसी लगी। और वो हमने ऊपर उठा उठा कर जो भी बाल काटे थे, तो जितने भी रफ, जो हम कहते हैं कि भी रफ हो गए हैं नीचे से, हमारी पोनीटेल जो रफ हो गई वो सब हट जाती है और फिर बालों में भी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो भाई मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है मेरा ये लुक, मेरा ये कटिंग जो मम्मा ने करा है। तो अभी बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा मेरा ये कटिंग।